अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेटलर्जी ऑफ आयरन। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर्स। और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर्स में भी हम इसके कुछ ओर्स पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं, पहले तो ओर्स ऑफ आयरन कौन कौन से होते हैं। अगर हम ओर्स ऑफ आयरन्स की बात करें तो हमारे पास आयरन्स की ओर तो बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे पास हेमेटाइट्स होता है, तो हेमेटाइट का मैं फार्मूला लिखता हूँ Fe2O3। और मैग्नेटाइट का फार्मूला लिखते हैं तो Fe3O4 होता है। आयरन पायराइट्स का फार्मूला लिखते हैं तो Fe2S2 होता है। और सैदराइट का फार्मूला लिखते हैं वो आयरन कार्बोनेट्स होता है, फेरिक कार्बोनेट। लेमिनाइट्स की फार्मूला लगते हैं तो वो क्या होता है, Fe2O3 3 मालिकुल्स ऑफ वाटर। ये क्या होता है, लेमिनाइट्स फार्मूला। अब जो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन्स हम करते हैं तो इसके जो मोस्टली मेन ओर्स जो होते हैं वो ओर हमारे पास तीन ओर्स में हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। या तो इसका जो मेन ओर होता है वो हेमेटाइट्स होता है, मैग्नेटाइट्स होता है, या लेमिनाइट्स ओर्स होती है। तो पहले इसके ओर्स के आपको पता चला कि इसके ओर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। आज जो हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम दिस थ्री ओर्स, कौन कौन से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लेमोनाइट। ये तीन ओर्स में हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स के आयरन जो करते हैं फ्रॉम इट्स ओर्स, तो इसके मेन जो स्टेप्स होते हैं वो पहले दो स्टेप्स होते हैं। ये फर्स्ट टू स्टेप्स आपको समझ में आ गए तो बिल्कुल ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इससे मैं हम क्या यूज़ करते हैं और किस फर्नेस से हम करते हैं। तो इसमें हम करते हैं ब्लास्ट फर्नेस मेथड में से। तो हम पहले बात करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के स्ट्रक्चर की, उसके बाद हम सारा डिटेल में बात करेंगे। अगर ब्लास्ट फर्नेस की स्ट्रक्चर आपको समझाऊं तो आप लोग पहले इसको इस तरीके से ड्रा करते हैं। अब देखें मैं इसको किस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रा करता हूं। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहां पे आप इसको इस तरीके से बनाएं इसका स्ट्रक्चर। पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, तब तक वीडियो को थोड़ा बहुत आपको समझाने के मैं वीडियो छोड़ देता हूँ, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि हम इसका स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है ब्लास्ट फर्नेस का। ब्लास्ट फर्नेस का स्ट्रक्चर के लिए आप देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल लेयर्स बना लेता हूँ स्टील का। ठीक है, ये इसका डबल लेयर हो जाता है। इस मेथड में आप इसको बना सकते हैं, सॉरी फॉर दैट, इस मेथड। ठीक, ये भी हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। और ये इसका डबल सेकंड लेयर, ये हो गया। अब देखें इसमें जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंस होता है। जो बॉटम पे टेम्परेचर 2000 होती है, और अगर अपर की बात करें, अपर यहाँ पे, तो यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मिडिल में मैंने डिफरेंट टेम्परेचर लिखे हैं, 1500, 1400 और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। ये था इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर्स में मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी इम्प्योरिटीज़ हो या आयरन हो, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे होल्स बना लेता हूँ। ये उसके होल्स हो गए। और अब इसमें ये क्या, एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हॉट एयर डालते हैं इस पाइप के ज़रिए। इस पाइप को बोलती हैं टायर्स, TAYERS, टायर्स। ठीक है, पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन्स के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जो स्टेप्स होते हैं, टू मेन स्टेप्स होते हैं। हम स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि जो आयरन होती है हमारे पास, इसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं। जैसे हम क्रश करते हैं उसको किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम प्रोड्यूस इट इनटू फॉर्म्स ऑफ द लम्प्स। मीन्स के किस फॉर्म में, एक हम इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसको,
आयरन ओर को पहले क्रश करते हैं, क्रश करते हैं किसके ऑक्साइड्स ओर्स में से। अब उसको हम क्या करते हैं, हॉट गैस जो होता है उसके साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेपरेट होके मिलते हैं, यहाँ पे जो आयरन होती है वो सेपरेट हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होती है वो वाटर के फॉर्म्स में या अदर वोलेटाइल इम्प्योरिटी के साथ में कहाँ से बॉटम से ऊपर से रिमूव हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर्स। पहले हम इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस किस मेथड में करते हैं कि हम फर्स्ट इसको जो आयरन्स होता है ओर्स होता है इसको हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं, क्रश करते हैं इन पाउडर फॉर्म। तो आपको इसके पहले भी हमने स्टेप्स बताए थे कि इनके स्टेप्स किस मेथड्स में होते हैं। जब हमने इसको क्रश किया, क्रश करने के बाद हम यहाँ से देखें कि ये इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है कि यहाँ से हम हॉट एयर छोड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ से हॉट एयर इनटेक करते हैं तो हॉट एयर क्या करता है कि इनके साथ ऑक्साइड्स ओर्स जो होते हैं इनके साथ रिएक्ट करता है रिडक्शन के फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो वाटर्स एंड वोलेटाइल जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब मीन्स यहाँ पे जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी सारे क्या हो जाते हैं, रिमूव्स हो जाते हैं यहाँ से, इस तरीके से अपर मूव्स करते हैं। ठीक है, अब इसमें सेकंड स्टेज कौन सा है, अब बात करते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप था, अब बात करेंगे सेकंड स्टेप का। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से हीट होता है तो किस मेथड्स में हीट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, जब हीट देते हैं ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में रिएक्ट करता है, इस तरीके से चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है इसमें वेरिएबल टेम्परेचर होते हैं, ये हमारे पास हॉट फर्नेस का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको समझाया भी था। तो इसमें यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होती है, यहाँ पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होती है, मीन्स 2000 से लेकर 200। ये क्या इसका बॉटम पोर्शन है, इसका क्या है अपर पोर्शन है। बॉटम पोर्शन पे टेम्परेचर 2000 और अपर पोर्शन पे टेम्परेचर क्या होती है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो हॉट एयर्स होता है वो किसके साथ, इसके साथ जो इम्प्योरिटीज होते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो जाता है, तो मीन्स यहाँ पे कहाँ से प्रिपेयर होती है, फर्स्ट मैं ये स्टेप आपको समझाऊँ। ये जो कोक होता है यहाँ पे, सिंपली कोक को किस में चेंज करता है, कोक हॉट एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब ये रिएक्शंस कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे जो डेल्टा एच रिलीज होती है अप्रोक्सीमेटली -349 किलो जूल पर मोल होती है। तो मीन्स ये रिएक्शंस क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लो टेम्परेचर फेवर करते हैं, टेम्परेचर कौन सा फेवर करते हैं, लो टेम्परेचर, और उसके बाद प्रेशर कौन सा, हाई प्रेशर फेवर करते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या करना चाहिए, लो करने चाहिए, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो रिएक्शंस रिवर्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस रिएक्शंस क्या है, एक्सोथर्मिक है, इसका टेम्परेचर बढ़ते ही यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है राइज होता है अपर पार्ट ऑफ फर्नेस में। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ फर्नेस में राइज होता है तो फर्दर ये जो कोक यहाँ पे होगा, कोक का दरअसल फार्मूला क्या होता है, सिंपली कार्बन को कोक बोलते हैं, ये फर्दर एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड्स अगेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोक के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड्स। अब यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कोक का मिला है तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो ये चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड्स में। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड्स, तो मीन्स यहाँ पे फार्मिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो जाता है। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड्स फॉर्म्स हो गया है तो इसका जो सेकंड स्टेप्स होता है वो ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड्स होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो इसके साथ किस मेथड में होता है, सिंपली मैं यहाँ पे ये रिएक्शन समझा रहा हूँ, रिएक्शन किस मेथड्स में होते हैं। पहले तो हमने इसको क्रश किया और यहाँ पे एयर, हॉट एयर डालते हैं तो हॉट एयर के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं वाटर या वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ यहाँ से रिमूव हो जाते हैं।
फर्दर क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में कैल्शियम कार्बोनेट्स को हीट करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट्स जब इसमें यहाँ से एंटर करते हैं, इंटेक करते ही आप ये समझ लें यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट्स हमने इंटेक किया। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट्स। जैसे ही हमने कैल्शियम कार्बोनेट्स इंटेक किया तो कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिड है, हॉट एयर के साथ। तो हम इस हीट करते हैं, हॉट एयर से कॉन्टेक्ट में आता है, किस में डीकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कोक, कोक किसके साथ रिएक्ट करता है, कोक मीन्स कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक होने के बावजूद भी टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स करेगा। तो मीन्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स हो गया। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 के साथ रिएक्ट करता है। तो इस मेथड में Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे हमारे पास मेटल्स फ्री बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर अगेन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होती है वो 477 से लेकर 727 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होती है। तो यहाँ पे हमने स्टडी करे थे कि फेरिक ऑक्साइड किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। टेम्परेचर कितना होता है, 477 to 727 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होती है। तो मीन्स हमारे पास आयरन क्या होता है, फ्री एग्जिस्ट, फ्री फॉर्म से मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो आयरन होती है वो कहाँ पे चला जाता है, बॉटम पे। इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो ये बॉटम्स पे आकर मोल्टेन फॉर्म्स में अचीव हो जाता है, ठीक है। अब इसमें और भी अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो मीन्स हमारे पास इम्प्योरिटीज कौन सा था, कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होने से। तो हम इसको क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। और दूसरा अगर कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये इम्प्योरिटीज़ हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, पहले बार को पता है कि ये जो इम्प्योरिटी हम इसको क्या बोलते हैं, स्लेग बोलते हैं। तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, आयरन की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो इनके सेपरेट किस मेथड्स में करेंगे, जस्ट मैं इनको सेपरेट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो ब्लैक है हमारे पास क्या होता है, ये मोल्टन फॉर्म्स ऑफ आयरन है, ये मोल्टन फॉर्म्स ऑफ आयरन। और इसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है, मोल्टन फॉर्म्स ऑफ, यहाँ पे ये क्या होता है, इनके ऊपर स्लग होता है। तो मीन स्लग कौन सा होता है, ये दोनों इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ये दोनों इम्प्योरिटीज़ यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट करता है वो आयरन। जैसे ही आयरन एक्सट्रैक्ट करता है तो हम इसको क्या करते हैं, मोल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो ये मोल्ट के साथ जैसे ही आ जाता है तो रिएक्ट तो नहीं करता, मोल्ट सॉलिड जो है आयरन किसके साथ, मोल्ट के साथ आता है तो ये सॉलिड फॉर्म से में अचीव हो जाता है। जैसे ही सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म में ब्लॉक फॉर्म्स में आता है, जैसे ही ब्लॉक फॉर्म में आता है उसको बोलते हैं पिग आयरन, ठीक है। ये मीन्स हमारे पास PIG आयरन मिल गया। तो अब इसमें जो ये स्लेग थे, ये इम्प्योरिटीज़ जो थे हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिए, इम्प्योरिटीज़ जो थे वो भी एक्सट्रैक्ट हो गए और जो PIG आयरन था वो भी इस तरीके से एक्सट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये इम्प्योरिटीज़ भी यूज़ किए जाते हैं, ये बायो प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत सारे यूज़ में आ जाते हैं, जैसे कि रॉड वगैरह, ये जो रोड के मटेरियल्स प्रिपरेशन में भी ये यूज़ किए जाते हैं, रोड के जो मटेरियल्स होते हैं उसमें। उसके बाद सीमेंट के जो प्रिपरेशन होती है उसमें भी ये यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, और लाइट वेट बिल्डिंग्स वगैरह जो होते हैं उनके मैन्युफैक्चर में भी ये यूज़ किया जाता है, जिसको हम स्लेग बोलते हैं। अब ये जो आयरन है, PIG आयरन हमें मिला, ये जो PIG आयरन है इसको इम्प्योरिटीज़ कुछ स्टिल प्रेजेंट हैं। इम्प्योरिटीज़ इसमें कौन कौन से होते हैं, दरअसल इसमें जो आयरन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 94 to 96% होती है इसमें आयरन, और इसमें कार्बन्स भी होता है, सिलिका भी होता है, इम्प्योरिटीज़ और भी होते हैं जिसमें मैं यहाँ पे कार्बन्स भी लिख लेता हूँ, सिलिका भी लिख लेता हूँ,
सिलिकॉन ऑक्साइड, सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और उसके बाद इसमें मैग्नीज भी, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, Mn। तो कार्बन्स का जो परसेंटेज होता है अप्रोक्सीमेटली 3.5% होता है, सिलिका जो होता है 1.2% होता है, ये लेस देन 0.05% अप्रोक्सीमेटली इस मेथड्स में होते हैं। और मैग्नीज तो बिल्कुल जब मैक्सिमम हो गया तो 1% 1% से भी ये क्या होता है, इसकी इम्प्योरिटीज कम होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हमारे पास आयरन PIG आयरन्स मिला है ये क्या होता है, हार्ड होता है। और अगर इस PIG आयरन्स की मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें, ये PIG आयरन्स की मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है, यहाँ पे हमें मोल्टन स्टेट में मिला है, तो मोल्टन स्टेट में मिला है तो मीन्स इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 1227 डिग्री सेंटीग्रेड की मेल्टिंग पॉइंट्स होती है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन्स आपको समझाया। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन किस मेथड में करते हैं, अगर इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। ये मैट्रिक का केमिस्ट्री का जो सीक्वेंस के लेक्चर्स की सीक्वेंस है, इंशाल्लाह ये आप लोगों को कम्प्लीट मुहैया कर दिया जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा होगा, ये टाइप्स ऑफ आयरन्स में, टाइप्स ऑफ आयरन्स में हमारे पास PIG आयरन्स होता है, कास्ट आयरन होता है, और रोट आयरन होता है। इसके बाद हमारे पास जो आयरन्स का एक होता है स्टील। अब उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।